हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है टैली 3.0 में डेबिट क्रेडिट को कैसे रिसॉल्व करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो आने पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने टैली 3.0 ओपन करके रखी हुई है, तो हम पहले इसमें करेंगे डीओजी। करने के बाद हम जाते हैं 3B में। 3B में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर देखेंगे कौन सा बिल हमारा डेबिट नोट का है जो वो कंसलेट करके बाहर निकाल रहा है, जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। तो जैसा कि हम अनसर्टेन में जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको बिल्स दिख रहे होंगे कि जो हमारे अनसर्टेन में खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो तीन बिल खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम बिल्स को चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम दे रही है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे इनवॉइस का नंबर, इन्होंने इशू का एरर किया हुआ है कि 3 बिल्स हमारे पास आ रहे हैं। तो हम इसको लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये तीनों बिल्स को हम इसकी एरर चेक करेंगे। पहले तो जैसे कि यहाँ पर एरर इसी है क्या कि यहाँ पर ये इनवॉइस नंबर नहीं डाला हुआ है। तो हम फिर से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हम यहाँ पर डेबिट नोट में जाएंगे। डेबिट नोट का आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेबिट नोट को ओपन करने के बाद हमारे पास जो था सितंबर का था, तो सितंबर का ये देखो डेबिट नोट हमने डाले हुए। तो डेबिट नोट का हमारे पास ये जो पर्स था समत एंटरप्राइज का, जिसे हमने यहाँ पर एंटर मार रहे हैं। तो मारने के बाद यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे हमने बिल तो एंटर की हुई है, सारा डिटेल भी डाली हुई है, बट फिर भी निकाला हुआ है। तो अब हम इसका क्या सलूशन निकालेंगे कि सारी चीज़ें जो हमने प्रॉपर वे में डालने के बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन एक आती है। हमारे पास इसके लिए दो ऑप्शन होती हैं क्लियर करने के लिए। पहली ऑप्शन तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जैसे हम एंटर मारते हुए नीचे लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे आप नीचे देख रहे होगे ना जीएसटी डिटेल्स का, यहाँ पर हम करते हैं यस। यस करने के बाद यहाँ पर डेबिट नोट का जो प्रोसीजर है, अगर डिस्काउंट सेल पे डाल रहे तो उसके लिए, या अदर करेक्शन की है, पर हमारा डेबिट नोट परचेज के रिगार्डिंग है, तो परचेज के लिए हम कर देंगे अदर पे। अदर पे जैसे करेंगे तो हमारे पास जिस बिल के रिगार्डिंग हम करना चाहते हैं डेबिट नोट, उसका नंबर और उसकी डेट डालने के बाद हम करेंगे कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा ये बिल सेव हो चुका है। तो आइए हम देखते हैं फिर से कि हमारा जो 3B में ये डेबिट नोट सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो फिर से चलते हैं बैक, एस्केप करके चलते हैं हम GST 3B में। GST 3B का ये ओपन करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हो कि अब हम यहाँ पर दो रह गए हैं। तो एंटर करते हैं, एंटर करने देखते हैं यहाँ पर हमारे जो एंटर करने पर जो समत का बिल है वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन था। और सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि हम इसी बिल पे जहाँ आपको ये दोनों बिल्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसका एंटर मार के देखेंगे पहले हम किसके बिल के अगेंस्ट हमने काटा था, ये जैसे हमारा बिल नंबर शो हो रहा है और कौन सी डेट का है। तो हम फिर से इसको कंट्रोल ही कर देंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद फिर से हम नीचे आ रहे हैं, तो ये सेव कर दिया हमने कंट्रोल करके। ये जैसे बिल्स हैं हमारे एज इट इज़ सेव होते चले जाएंगे। बिल्स हमारा हमने चेक कर लिया हुआ था, तो ऐसे हम बिल आगे को उसी फील्ड में दोबारा से डालेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दोबारा से हम देख रहे थे, यहाँ पर डाला हुआ है, ओके किया। सारी डिटेल्स डालने के बाद हमने कंट्रोल ही कर लिया और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये भी हमारा सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो ऐसे के प्रोसीजर में आप आराम से, आप ये देखो यहाँ पर हो चुका है। अब लास्ट हमारा ऑप्शन आता है कि यही बिल के अकॉर्डिंग अगर हमें शॉर्ट में करना है, तो ये बिल हमने जैसे यहाँ पर देख लिया कि ये बिल के अगेंस्ट हमने काटा है और ये डेट है। कंट्रोल ए करते हैं सारी डिटेल डालने के बाद, जैसे एंटर करने के बाद, तो नीचे आ रहे हैं, नीचे सारी डिटेल्स ओके। तो हमने ये भी चेक कर लिया कि अब ये किस बिल के अगेंस्ट, यहाँ पर मारते जैसे एंटर मारोगे तो यहाँ देखो सीधे डायरेक्ट ऑप्शन ही मांगता है किस में डालना है और कौन सी। ये डिटेल सारी जब मैंने डाल दी कौन सी डेट का है, तो कंट्रोल ही करते हैं, तो ये हमारा देखते हैं क्लिक सीरो हुआ, ये तो हमारा सॉल्व हो चुका है। मीन्स आपको आप गाइस समझ आ गया होगा कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप जब बिल काट रहे हो तभी आप डेबिट नोट का उसी टाइम ही डिटेल उसकी डाल दो यस करने के बाद, अदरवाइज आप सेकेंड ऑप्शन यहाँ एंटर डाल के आप यहाँ भी कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।